हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 31। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग सिंह कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीताम्भरधारुण बिम्बफलधरोष्ठा, पुणेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा, कृष्णोत्तरं किमपि तत्त्व अहं न जाने, यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवीस्तवे, वेदीसाङ्गपत्क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विधो सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकं। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 31। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुत गोस्वामी कहते हैं, यथा नभसि मेघौ को रेरुर्वा पार्थिवो नीले एवं दृष्टविदृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। यथा नभसि मेघौ को रेरुर्वा पार्थिवो नीले एवं दृष्टरिदृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। यथा नभसि मेघौ को रेरुर्वा पार्थिवो नीले एवं दृष्टरिदृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। यथा नभसि मेघौ को रेरुर्वा पार्थिवो नीले एवं दृष्टविदृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। यथा नभसि मेघौ को रेरुर्वा पार्थिवो नीले एवं दृष्टविदृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। यथा नभसि मेघौ को रेरुर्वा पार्थिवो नीले एवं दृष्टरिदृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। शब्दों का अर्थ, यथा नभसि मेघौ को, यथा मन जिस प्रकार, नभसि इन आकाश में, मेघौ अर्थात बादलों का समूह बहुत सारे बादल, रेणुर वा पार्थिव मिले, रेणु कहते हैं मट्टी को या धूल को, वा तथा उसी प्रकार, पार्थिवो अर्थात मलिनता या धुंधला, अनिले यानी वायु में, एवं यानी उसी प्रकार, दृष्टि यानी देखने वाले को, दृश्यत्वम यानी देखने के लिए, आरोपितम यानी आरोपित होता है, और बुद्धि भी अल्पज्ञों द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छन्न है और वायु धूलिमय अर्थात मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी
भौतिक शरीर की कल्पनाओं का आरोप करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर आगे पुष्टि की गई है कि हम सर्व आत्मा भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक सफुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक सफुलिंग नहीं देख पाते। अतएव हम उसके स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट स्वरूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है, उसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की सामान्यता राष्ट्रपति के समान साथ रखते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, पहले भगवान का विराट रूप दिखाया जाता है। यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र हैं, इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यदि भी आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, किंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। सतगुरु जी महाराज की जय हो। तीसरा चैप्टर, पहला स्कंध, तीसरा चैप्टर, उसका नाम क्या है? समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण, यानी जितने भी अवतार हैं उनके उत्स स्रोत जो हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और हमने भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में पढ़ा, जिनके विषय में सूत गोस्वामी ने 29 में कहा, जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गुणं भक्तया दुःखग्रामाद्विमुच्यते। कि यदि किसी को अपने दुखों से निवारण चाहिए, यदि कोई अपने दुखों से जीवन भर के कष्टों से विमुच्यते मुक्त होना चाहता है, तो क्या करे? सायं प्रातर्गुणं भक्तया, सुबह शाम उसी भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का श्रवण और भगवान की कथाओं का, जो कथाएं हम भागवत महापुराण में श्रवण करते हैं, उनके विषय उनको श्रवण करना चाहिए। और इससे क्या होगा? आपके जन्म जन्मांतर के दुखों का विनाश हो जाएगा। और फिर यहाँ तक अवतारों का टॉपिक समाप्त करने के बाद श्लोक नंबर 30 में विराट स्वरूप का टॉपिक स्टार्ट किया और कहा, एतत् रूपं भगवतो। ये सब तो मैंने अभी आपको जो भी बताए वो भगवान की नित्य रूप है, इटर्नल रूप है। ह्यरूपस्य चिदात्मना, ह्यरूपस्य यानी कि एक निश्चय ही, अरूपस्य का मतलब होता है निराकार के, एक निराकार के
ചിദാത്മന ഇനി ബ്രഹ്മക്ക് മായാഗുണ വിരചിതം മായാഗുണ ഇനി മായാക്ക് ഗുണോസി വിരചിതം കമത്തബുദ്ധ നിർമ്മിത അത് യഹാ പര ഏക ദൂസറ രൂപ കി ബാത് കർ രഹേ ഹൈ ജോ മായാക്ക് ഗുണോ സെ നിർമ്മിത ഹോത്ത ഹൈ ഔർ മഹദ് ആദി ഭിരാത്മന മഹദ് ആദി കാ മത്ലബ് ഹോത്ത ഹൈ പാർത്ഥ പദാർത്ഥ കെ അവ്യയോ സെ യാനി കി ഭൗതിക സൃഷ്ടി കാ ഏക സൃഷ്ടാ യാനി കി ഭൗതിക ഏക ഭഗവാൻ കാ രൂപ ഐസാ കാൽപനിക ഹൈ കി സംസാര കി സമസ്ത വസ്തുവെ ഉസ്കെ അന്ദർ ഹൈ വാസ്തവ മേ ഭഗവാൻ കാ ജോ രൂപ ഹൈ വോ ഈറ്റർണൽ ഹൈ വോ കഭി സമാപ്ത നഹീ ഹോത്ത ജോ അബ് തക് ഹംനെ പഢേ വോ സബ് ഭഗവാൻ കെ ഈറ്റർണൽ രൂപ ഹൈ और इटर्नल भगवान के अवतार हैं जो सदैव रहते हैं कभी भी उनका समाप्त कभी भी नहीं होते हैं लेकिन ये जो महदादी भी यानी भौतिक प्रकृति है वो उसका तो पुनः पुनः कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादौ विश्वसामि कल के अंत में संपूर्ण प्राणी संपूर्ण प्रकृति जो है वो भगवान के अंदर लय हो जाती है और कल्प के नए कल्प के आरंभ में भगवान पुनः इसकी रचना करते हैं। तो भगवान ने विराट स्वरूप के विषय में बताया हमें और श्री प्रभुपाद ने बताया ये रूप जो है वो अल्पज्ञों के लिए, क्योंकि जो भगवान के अस्तित्व को नहीं जान सकते, जो भगवान के साथ डायरेक्ट से अपना प्रेम संबंध निर्माण नहीं कर सकते, उनके लिए यह विराट स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान सुख गोस्वामी जो है विराट स्वरूप के रूप के विषय में आगे बता रहे हैं कि वो किस तरह से लोग समझते हैं। यथा नभसि मेघौ गो रेणुर्वा पार्थिवो नीले। यहाँ पर भागो सुत गोस्वामी दो एग्जाम्पल्स देते हैं कि भगवान का भौतिक, जो भगवान वास्तव में आध्यात्मिक है, उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, लेकिन वो किस तरह से अल्पज्ञ लोग उसको कैसे समझते हैं। तो यहाँ पर बता रहे यथा नभसी मेघौ गो, यथा कहते हैं जिस प्रकार नभसी यानी आकाश में मेघौ गो यानी बादलों का स्वरूप। अब बादलों का समूह, बहुत सारे बादल यदि आसमान पर छा जाते हैं, बहुत सारे बादल, हालांकि बादल कभी भी आसमान को छिपा नहीं सकते हैं, लेकिन ये है आसमान इटर्नल है, आसमान जो है वो कभी भी आसमान इटर्नल है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, वो कभी बादलों से छिप नहीं सकता है। एक छोटा सा टुकड़ा उसका बादल से छुप जाता है, फिर भी यथा नभसि मेघौ गो। तो लोग जो अल्पज्ञानी होते हैं वो क्या कहते हैं कि आज आसमान छिप गया है, आसमान का थोड़ा सा हिस्सा उससे छिप जाता है, और क्या कहते हैं आकाश मेघाच्छन्न है, पूरे आसमान पे मेघ ही मेघ है, आसमान कहीं नहीं है। और उसके अतिरिक्त क्या है, रेणु व पार्थिवो नीले। रेणु किसको बोलते हैं, मट्टी को या धूल को, पार्थिव यानी मलिनता धुंधला, अनिले वायु से। अब कभी कभी ऐसा होता है हवा इतनी तेज होती है कि वो मट्टी को भी अपने साथ मिक्स करके लेकर चली जाती है, कभी ऐसा लगता है हवा, वास्तव में हवा शुद्ध है, हवा कभी भी मट्टी से मेली नहीं हो सकती, हवा पवित्र होती है, लेकिन क्योंकि उस समय मट्टी इसके साथ टच हो जाती है तो हम क्या सोचते हैं कि वायु धूमिल है यानी मलिन हो गई है। वायु कभी भी धूमिल नहीं हो सकती, जिस तरह आकाश का अस्तित्व कभी भी छिप नहीं सकता पूरा का पूरा आकाश, लेकिन उस समय थोड़ी जगह पे बादल होते तो हम क्या बोलते हैं सारे आकाश जो है वो बादलों से छुप गया। उसी तरह से हवा कभी भी मैली नहीं होती है, हवा पवित्र होती है, परंतु क्योंकि उस समय मट्टी को भी हवा अपने साथ उड़ा रही है तो हमें क्या लगता है कि वायु मलिन हो गई है, वायु भी मलिन होगी। उसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की कल्पनाओं का आरोप करते हैं। अब हालांकि आत्मा जो है वो कभी भी शरीर से लिप्त नहीं होती है, वो कभी शरीर की तरह नहीं होती है, इंडिविजुअली आत्मा जो है वो अविनाशी है, वो भगवान का अंश है, जितनी भगवान के अंदर क्वालिटीज हैं वो सारी की सारी क्वालिटीज जो है वो आत्मा के अंदर है,
आत्मा और शरीर में बहुत फर्क है, क्योंकि शरीर भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अंतवंत इने देहा नित्य स्योक्ता शरीरेण, कि अंतवंत इने देहा जो नाशवान है, अंतवंत नहीं समाप्त हो जाने वाला, इमे देहा देह जो है वो समाप्त हो जाएगी, परंतु नित्य स्योक्ता शरीरेण जो शरीरधारी जीव है यानी जो आत्मा है वो इटरनल है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो आत्मा एक अलग चीज है और एक शरीर जो है वो एक अलग चीज है, उनके गुण आपस में अलग है। आत्मा के गुण क्या है, न जायते मिर्यते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा नमूयः अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यति हन्यमाने शरीरे, न जायते मिर्यते वा कदाचिन नायम। ये आत्मा का गुण है, और अगर इसके साथ शरीर को हम कंपेयर करें तो जायते मिर्यते सदैव है ना, सदैव सदैव जन्म लेता है वो, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे जन्म के बाद, जब तक वो अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त नहीं होता तब तक उसको जन्म लेना पड़ता है। और न जायते मिर्यते, मिर्यते का मतलब होता है आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, लेकिन शरीर क्या है, सदैव मर जाएगा हमेशा। जो भी शरीर आया है संसार में एक न एक दिन उसको समाप्त होना है। मिर्यते सदैव, कदाचिन का मतलब होता है कभी नहीं, और सदैव का मतलब होता है सदैव जीता और मरता रहता। बल्कि शास्त्र तो यहाँ तक कहता है हर क्षण शरीर बदलता है, और पहला वाला शरीर जैसे बचपन वाला शरीर जवानी में मृत हो जाता है, उसी तरह से न जायते मिर्यते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा नभूयः, भूत यानी पहले भी यही हुआ था, भूतकाल में यानी पास्ट में भी यही हुआ था, जिंदा भी हुआ था, पैदा हुआ था फिर मर गया था, भविष्य वर्तमान में भी यही होगा, पहले पैदा हुआ अभी मरेगा, और भविष्य में भी यही होगा, पैदा होगा और मरेगा। यानी आत्मा और शरीर की क्वालिटीज एकदम भिन्न है, और आत्मा की क्वालिटीज किसके साथ मिलती है, परमात्मा के साथ, क्योंकि वो भगवान का अंश है, तो भगवान के साथ उसकी क्वालिटीज मिलती है। अब जितना भगवान के अंदर क्वालिटीज है वो सारी की सारी क्वालिटीज आत्मा के अंदर है, लेकिन उनमें क्या फर्क है कि भगवान की जो क्वालिटीज है वो क्या है, असीम है, और आत्मा की क्वालिटीज ससीम, यानी कि वो लघु है और वो अणु है, सॉरी वो अणु है, आत्मा जो है वो अणु है, यानी बहुत छोटा है। कितना छोटा है, शास्त्र कहता है श्वेता उपनिषद में 6.5.9 में आत्मा के नाप के विषय में बताया कि उसकी कितनी क्वांटिटी कितनी है, वो पैमाइश कितनी है उसकी, उसके बारे में बताते हैं। बालक त्रिशत भागस्य शतदा कल्पितस्य च, बालक त्रिशत भागस्य, बाल का जो अग्रभाग है यानी बाल का जो नोक है उसके शत भाग 100 उसके पीस करो, और क्योंकि आप कर नहीं सकते हो तो क्या करो, कल्पितस्य च, खाली कल्पना ही कर लो कि मैंने बाल के अग्रभाग के 100 पीस किए हैं, और क्या कल शतदा, उसके बाद क्या करो, एक एक को उठा के आप जैसे सो किए तो एक एक को उठा के उसके भी सो करो, यानी कि एक बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से हो जाएंगे। और भागे जीवे से विज्ञेय, तो तुम्हारे अब जितनी क्वांटिटी मिली ना, यानी बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा जो है वो भागो जीव सविज्ञेय सचानन्य ज्ञाय कल्पते, फिर तुम सोच लो कि उतना छोटा सा है आत्मा। अब आत्मा इतना अणु है, इतना छोटा सा है, तो क्योंकि लोग कोई भी ऐसी शक्ति अब तक साइंसदान ने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाया नहीं है जिसके द्वारा वो आत्मा को देख सके, तो फिर श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर अनुवाद में बता रहे हैं कि जिस प्रकार वो ये समझते हैं कि धूल मेली हो गई है या आकाश छिन्न हो गया है, मेगा छिन्न हो गया है, तो फिर वो क्या सोचते हैं, इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की कल्पनाओं का आरोप करते हैं कि बस आत्मा खत्म हो गई, बस भौतिक शरीर ही आत्मा है। ऐसा कोई क्यों सोचता है, क्योंकि आत्मा इतनी छोटी है और शरीर के भीतर उस आत्मा को कोई जान नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, उसके विषय में कोई सुन नहीं सकता,
तो फिर उनको क्या लगता है कि ये है ही नहीं, उसकी धारणा उनको कैसे लगती है कि, तो बेवकूफ लोग सोचते हैं कि बस जिस तरह से शरीर समाप्त हो जाता है तो शरीर उसी तरह से उसके साथ ही आत्मा भी समाप्त हो जाती है। भौतिक धारणा यानी कि आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की कल्पनाओं का आरोप करते हैं। उनको कैसा लगता है कि आत्मा ही भौतिक शरीर ही आत्मा ही है, और जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमें आत्मा के अस्तित्व को जानना है। भले ही आत्मा दिख नहीं रही लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्मा है ही नहीं। आत्मा का एक अस्तित्व है, हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो कर सकते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर या आध्यात्मिक सफुलिंग को देख नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी हमें उसके स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी होती है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भले नहीं देख पाते हैं लेकिन हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि भौतिक शरीर चल रहा है, कार्य कर रहा है, और जब उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है तो फिर वो कुछ नहीं करता। दिल धड़कना बंद कर देता है, सांसें चलना बंद कर देती है, जीव निर्जीव हो जाता है। तो फिर विज्ञान इस बात को तो स्वीकार करता है कि शरीर के अंदर से चेतना समाप्त हो गई है, तो फिर हमें उस आत्मा को स्वीकार करना पड़ता है जिसकी कारण से उस शरीर को चेतना मिल रही थी। जैसे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्यों में, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के तात्पर्य, कि जिस प्रकार सूर्य एक जगह पर होता है और पूरे आसमान को प्रकाश प्रदान करता है, उसी प्रकार आत्मा हृदय के अंदर एक छोटा सा बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर एक छोटा सा अंश होती है, लेकिन सारे शरीर में चेतना प्रोवाइड करती है। तो फिर ज्ञान हमें इस बात तक पहुंचाता है, ये ज्ञान कि ये जीव कैसे, मतलब ये शरीर कैसे चल रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, तो फिर हमें आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। उसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता है कि, मतलब भगवान एक विश्वास का नाम है, एक श्रद्धा का नाम है जो हमें गुरु साधु और शास्त्र से प्राप्त होते। ऐसे नहीं कोई भी कह दे कि हाँ ये भगवान, लेकिन साधु शास्त्र और गुरु महाराज ही हमें भगवान के विषय में बता सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई इतना अल्पज्ञ है कि वो ये सोचता है कि हम, मैं जब तक देखूंगा नहीं अपने इन भौतिक नेत्रों से तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो फिर श्री गोपाल जी बोलते हैं कि उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। कि ठीक है, आपको दिखता नहीं है, इस संसार में हर एक चीज जो है वो भगवान का हिस्सा है। ये सूर्य तुमने बनाया, ये नदियाँ तुमने बनाई, ये पहाड़ तुमने बनाए, संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो भगवान ही तो है। तो भगवान के विश्व रूप की या विराट रूप की सलाह दी जाती है। जैसे अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने कार और उसके अंदर बैठे हुए ड्राइवर या फिर जो भी व्यक्ति है उसके विषय में बताया कि अगर कोई कार में जा रहा होता है तो भले वो हमें नजर नहीं आ रहा होता, जैसे राष्ट्रपति की अगर गाड़ी है तो हमें राष्ट्रपति बने अंदर से नजर नहीं आ रहा होता है, फिर हम क्या बोलते हैं, यहाँ से राष्ट्रपति अभी अभी गुजरे। भले हमने उसकी कार को ही खाली देखा होगा, उसके अंदर बैठे हुए क्योंकि उसके अंदर से दिख नहीं रहा था, लेकिन भी यहाँ से जो गाड़ी गुजरी है वही राष्ट्रपति, हालांकि वो राष्ट्रपति नहीं है, उसके अंदर बैठे हुए हैं वो राष्ट्रपति हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की पहुँच राष्ट्रपति तक नहीं है वो इसी गाड़ी के माध्यम से बताएगा कि ये राष्ट्रपति था। उसी प्रकार वो अल्पज्ञ व्यक्ति जो बिना योग्यता के भगवान के दर्शन करना चाहते, योग्यता नहीं है, योग्यता क्या होनी चाहिए भगवान के दर्शन करने की, प्रेम। क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं जब तक अपने हृदय के नेत्रों पर प्रेम का अंजन नहीं लगाओगे तब तक तुम्हें भगवान नजर नहीं आएंगे। और भगवान ने स्वयं साक्षात खड़े होकर कहा 7.25 में, नाहम प्रकाश सर्वस्त्र योग माया समावृता मूढ़ हो यम ना भी जाना लोको माम अव्ययम, कि मैं सतलोक के सामने आता ही नहीं हूँ, मैं किसके सामने आता, भगवान कहते
क्या माम अभी जाना कि केवल भक्ति ही मुझे जानते हैं और मैं उनको कैसे दिखता हूँ। भगवान बता दे 10.10 में तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। वो पहले मेरा भजन करते हैं, उसके बाद में जब बहुत प्रेम से मेरा भजन करते हैं उसके बाद क्या करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांत। जब वो फिर मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझे देख सकते हैं। यानी कि जब तक भगवान का भजन नहीं किया जाता, भगवान से प्रेम नहीं किया जाता, भगवान की शरण में नहीं आया जा सकता, जब तक भगवान का भक्त नहीं हो जाता, हम भले कितनी ही कोशिश करें हम भगवान को अपनी कोशिशों से अपने प्रयत्न से नहीं दे सकते जब तक कि भगवान अपनी करुणा न करे। इसे भगवान बताते 10.11 में तेषामि पानुकं पार्थम् अहमज्ञानशं तम नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानरूपेण भास्वत्। अपनी अनुकंपा से जब मैं एक भक्त की सिंसियरिटी को देखता हूँ, जब उसकी श्रद्धा को देखता हूँ, जब मैं उसकी भक्ति के अंदर जो संजीदगी है, जो सीरियसनेस है, उसकी भक्ति के अंदर जो मेरे प्रति प्रेम और भाव है उसको जब देखता हूँ, फिर मेरे हृदय की अनुकंपा ऐसा में वानुकंपा था। और फिर मैं क्या करता हूँ, नाशयाम यात्म भावस्थ, एक उसके हृदय के अंदर एक ऐसा प्रज्वलित दीपक उज्जवल कर देता हूँ जिसमें जिस कारण उसकी पूरी अज्ञानता नष्ट हो जाती है और वो मेरे दर्शन कर सकता। तो ये केवल एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, केवल भक्ति और प्रेम के साथ ही हम भगवान को देख सकते हैं। लेकिन मूर्ख लोग ऐसे हैं जो कहते हैं पहले भगवान को दिखाओ फिर भक्ति करूँगा। तो फिर क्या होता है, तो फिर भगवान ने उनके लिए भी शुभ अवसर प्रदान किया। भगवान कितने करुणामयी है, भगवान इतना प्यार करते हैं इन जीवों के साथ, तो फिर उनके लिए विराट स्वरूप में भी परिवर्तित होना स्वीकार कर देते। और यहाँ पर कहा कि ऐसे लोगों के लिए सलाह दी जाती है कि वो विराट स्वरूप का ध्यान करें। यद्यपि भगवान भीतर तथा बाह्य सर्वत्र है, ऐसा नहीं है कि भगवान बाहर नहीं है, लेकिन इस प्रकार लेकिन जो भौतिक संसार में जो भगवान का स्वरूप है, ये जो विराट स्वरूप है वो काल्पनिक है, वो आध्यात्मिक नहीं है ना, क्योंकि ये भौतिक है। लेकिन फिर भी ऐसा कहते हैं शास्त्र क्या कहता है, यदि कोई भौतिक वस्तु भी आप भगवान की सेवा में यूज करते हो तो वो क्या बन जाती है, आध्यात्मिक बन जाती है। रूपा जी अक्सर बोलते थे जब वो प्रचार करते तो बोलते कि ये जो माइक है हालांकि भौतिक वस्तु है, भौतिक चीजों से बना हुआ है, भौतिक पदार्थ से बना हुआ, परंतु जब ये भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो रहा है, भगवान की सेवा के लिए इसको इसका प्रयोग किया जा रहा है तो ये आध्यात्मिक बन जाता है। और जब इसी माइक को हम भौतिक गाने गाते हैं या फिर भौतिक चीजों में यूज करते भौतिक कार्यों में तो ये भौतिक बन जाता है। तो कोई बेवकूफ खड़ा होकर बोल सकता है श्री प्रभुपाद जी आप बोलते हो आध्यात्मिक कार्य में इस्तेमाल होगा भगवान की सेवा के लिए तो आध्यात्मिक हो जाएगा, और जब भौतिक कार्य के लिए यूज होगा तो भौतिक। अभी कभी कभी माइक कैसे पड़ा होता है उसको यूज नहीं करते तो उस समय वो क्या होगा। तो ये तो ऐसे ही आर्ग्यूमेंट्स है, वास्तविकता क्या है कि यदि कोई भौतिक वस्तु भी भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल होती है तो वो भगवान की तरह दिव्य हो जाती है, परंतु फिर भी वो क्योंकि भौतिक तत्वों से मिलकर बनी है, भौतिक चीजों से भौतिक वस्तुओं से मिलकर बनी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इतनी दिव्य हो जाएगी कि कभी उसका नाश नहीं होगा। जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि जो भक्त का जो शरीर है वो दिव्य होता है, श्री प्रभुपाद जी जैसे महात्मा का शरीर जैसे दिव्य हम हमेशा कहते। तो एक बार जब श्री प्रभुपाद जी बहुत ही बाद बीमार हो गए थे तो उनके मुख से झाग निकल रही थी, मतलब इतना बीमार हो गए थे। तो फिर किसी एक डिवोटी ने क्या कहा कि मैंने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा कि श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से झाग निकलते थे जब उसके अंदर प्रेम के विकार उत्पन्न होते थे, तो ये भी आपके अंदर कृष्ण प्रेम के विकार उत्पन्न हो रहे हैं इसी के कारण हो रहा है। तो कृष्ण प्रभुपाद जी ने कहा आप बेवकूफ हो, मूर्ख हो तुम, ये क्योंकि भौतिक शरीर है
तो भौतिक शरीर के अंदर ये होता है इस तरह, मतलब भौतिक शरीर अपना कार्य करता है, लेकिन ये हालांकि उस भक्त का भाव अच्छा था, लेकिन श्री प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल बताते हैं कि देखो आप भले कितने ही भक्त बन जाते हो, लेकिन कभी भी आपका शरीर जो ये भौतिक शरीर है वो कभी भी आध्यात्मिक नहीं बनता है। वो उस समय जब आध्यात्मिक कार्य करता है तो, लेकिन आपके अंदर जो वास्तविक आध्यात्मिकता है, जो भगवान का अंश है, वो भिन्न है वो। परंतु भगवान अंतर तथा भीतर, यानी भीतर तथा बाहर स्वरूप जो भगवान का है वो सब आध्यात्मिक है। और जो विराट स्वरूप की जब कल्पना की जाती है, इस भौतिक जगत से जब उसको उसकी धारणा ली जाती है, तो भौतिक जगत का एक दिन अंत हो जाएगा, एक दिन अंत हो जाएगा, इसलिए ये काल्पनिक कहा गया इसको। और इस प्रसंग में यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी अंतिम एक उदाहरण दे, आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा से का उदाहरण दिया जा सकता है। अब जैसे वास्तविकता क्या है कि आकाश में कोई कलर नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, आसमान का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि जो नीलिमा है, यानी कि आकाश का जो नीला है, नीला पोर्शन है, वो एक अलग, नीलापन एक अलग है और आकाश एक अलग चीज है, लेकिन हम आसमान के रंग को नीला समझते हैं कि आसमान का रंग नीला है। बादल एक अलग चीज है, आसमान उससे दूर है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, बादल से आसमान ढक गया। तो ये सब अल्पज्ञ होते हैं, यहाँ पर श्री गोपाल जी बोलते हैं, अगर ये तो सब अल्पज्ञों की सामान्य धारणा है, जो बेवकूफ होते हैं वो इस तरह समझते हैं, लेकिन जो वास्तविकता ज्ञानी है वो क्या समझते हैं कि आत्मा जो है वो किसी भी शरीर में यदि चली जाती है तो भी उसका अस्तित्व एक अलग अस्तित्व है, जो कि कभी समाप्त नहीं होता है। वो भले कितने ही शरीरों को बदलती है, लेकिन वो इटरनल है। इसी बात को भगवान सूत्र गोस्वामी आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 32 में बताते हैं, श्लोक नंबर 32। अतः परम यदव्यक्तम् अव्यूढ़ गुणभृंहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवत्। अतः परम यदव्यक्तम् अव्यूढ़ गुणभृंहितम् अव्यूढ़ गुणभृंहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवत्। अतः परम यदव्यक्तम् अव्यूढ़ गुणभृंहितम् अदृष्ट्वाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवत्। अतः परम यदव्यक्तम् अव्यूढ़ गुणभृंहितम् अदृष्ट्वा अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवत्। अतः परम यदव्यक्तम् अव्यूढ़ गुणभृंहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवत्। अतः परम यदव्यक्तम् अव्यूढ़ गुणभृंहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। अतः परम यदव्यक्तम् अव्यूढ़ गुणभृंहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। अतः परम यदव्यक्तम्
अभ्युध गुणभिम्हितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। शब्दोकात् अतः परम् यदव्यक्तम् अव्यूढ गुणविहितम्। अतः परम्, अतः मतलब ये, परम परे है, यद अव्यक्तम् जो अप्रकट है, जो दिखता नहीं है, अव्यूढ है यानी बिना किसी प्रकार के रूप, उसके वो दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कोई रूप भी नहीं है और गुणविहितम् गुणों से प्रभावित भी नहीं होता है ना। वो भगवान का जो स्वरूप है वो अव्यक्त है, अव्यूढ है, किसी कोई प्रकार कोई आत्मा का जो रूप है वो अप्रकट है। अव्यूढम यानी बिना किसी प्रकार के रूप, उसका कोई रूप भी नहीं है और गुणविहितम् गुणों से प्रभावित नहीं होता है। अदृष्ट वो अदृश्य है, अनदेखा है। अशुद्ध यानी अनसुना है। वस्तुत्वात यानी वैसा होने से, अब वो क्योंकि कैसा होने से, यद अव्यक्तम अव्यूढ़ गुणविहितम् वो दिखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता है, अव्यक्त है, अप्रकट है। तो फिर ऐसा होने से सजीवो वो जीव आत्मा यत यानी जो पुनर्भव, पुनर्भव का मतलब होता है बारंबार जन्म ग्रहण करता है। क्यों करता है पुनः पुनर्जन्म? क्योंकि अतः परम वो परम है। अब वो परम है यानी वो इटर्नल है, वो कभी समाप्त, भगवान की परा प्रकृति है, वो उसका कभी समाप्त नहीं हो सकता। वो क्या कर सकता है? अगर वो ग्रेजुअली उन्नति करे तो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वहाँ पर भी वो समाप्त नहीं होगा, वहाँ पर भी वो अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगा। वास्तविक स्थिति क्या है? सनातन गोस्वामी पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि मुझे सब लोग बुद्धिमान समझते हैं, भक्त मतलब बुद्धिमान समझते हैं और पंडित समझते हैं, लेकिन मुझे इतना भी समझ में नहीं आया अब तक कि आमी केमे जा केमे आमार जार ताप पत्र गई, कि मैं कौन हूँ, मैं किधर से आया हूँ और ये तीन ताप मुझे क्यों सता रहे हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उन्हें बताते हैं कि मैं बताता हूँ तुम कौन हो, तुम्हारी रियलिटी कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जीवेन स्वरूप है कृष्णेन नित्यदास, कृष्णेन तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तुम भगवान के अंश हो और भगवान के नित्यदास हो, वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। तो जीव तब तक, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अदृष्टवाशुत वस्तुत्वात् सजीवो पुनर्भव यत् पुनर्भव। क्योंकि जीव को बारंबार जन्म लेना पड़ता है इस संसार में, क्योंकि भले जीव इटर्नल है, भगवान का अंश है, परंतु क्योंकि उसने भगवान के शरणागति को स्वीकार ना करके स्वयं प्रभुत्व जताने की आशा की और उसे इस भौतिक जगत में भेज दिया गया। हम भगवान के अंश हैं, परंतु इस संसार में तीन गुणों के कारण माया का आक्रमण हमारे ऊपर हो जाता है, और इस माया के आक्रमण के कारण जो जो कार्य जीव करता है उसके अनुसार उसे पुनर्जन्म को धारण करना पड़ता है। कभी पशु, कभी पक्षी, तो कभी जलचर, कभी नवचर, तो इस तरह से बारंबार जन्म मृत्यु का ये चक्कर चलता है। और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें छुटकारा हासिल करना है, अपने वास्तविक अस्तित्व को प्राप्त करना है, लेकिन वो छुटकारा हम अपनी इच्छा या अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु, साधु और शास्त्र का आधार लेना पड़ेगा। जब तक कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु हमें आकर ये नहीं बताता है कि किस प्रकार से इस शास्त्रों का प्रमाण लेकर कि देखो शास्त्र में किस तरह से जीव की मुक्ति के विषय में बताया है कि जीव अपने भौतिक भव रोग से कैसे मुक्त हो सकता है, तो गुरु के सानिध्य में रहकर हम अपने आप को पहचान सकते हैं और अपनी वास्तविक स्थिति को जान सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। अनुवाद देखिए, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं रूप की स्थूल धारणा से परे रूप की
एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त रहता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जिस प्रकार स्थूल दृश्य जगत को भगवान का विराट शरीर मान लिया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है जिसे ना तो देखा जा सकता है ना सुना जा सकता है या प्रकट किया जा सकता है, लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म धाराएं जीवों से संबंधित है। अब शरीर जैसे जीव यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार विराट स्वरूप होता है भगवान का स्थूल, जो ये भौतिक दृश्य जगत है, और यह भगवान इससे समझा जाता है कि यह भगवान ही है, भगवान का विराट स्वरूप ही है, इस भौतिक जगत को माना जाता है। उसी तरह से भगवान का ये तो स्थूल शरीर माना जाता है और एक सूक्ष्म शरीर की धारणा है। वो बोलते हैं कि भगवान का एक सूक्ष्म शरीर भी है जो कि ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है और ना ही उसको कल्पना किया जा सकता। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म धारणा जीवों से संबंधित है। जो जीव है ना वो और भगवान में फर्क है। जीव का देखो एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है, एक आत्मा होती है, जीव की होती है ना, लेकिन भगवान की ऐसी नहीं होती। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म धारणा जीवों से संबंधित है। जीवों का अपना आध्यात्मिक स्वरूप होता है जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। अब इसका मतलब ये है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव का एक भौतिक शरीर होता है और एक स्थूल शरीर होता है। भौतिक शरीर जो इन भौतिक वस्तुओं से मिलकर बना है, यानी पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार और मन बुद्धि अहंकार इनसे मिलकर बना है ये भौतिक शरीर। उसके बाद स्थूल शरीर है। हाँ, मन बुद्धि अहंकार स्थूल शरीर है, जो दिखता नहीं है ना, सॉरी सूक्ष्म शरीर। आप ऐसे करते कि ये जो स्थूल शरीर क्या है, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, ठीक है, ये स्थूल शरीर हो गया। और सूक्ष्म शरीर क्या है, मन बुद्धि अहंकार। तो ये दोनों स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, वो जीव के पास होते हैं, लेकिन जीव का एक अपना आध्यात्मिक स्वरूप भी होता है। विश्व गोपाल जी बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि बस जीव के अंदर ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से मिलकर बना उसका आध्यात्मिक कोई अंश नहीं होता, उसका एक आध्यात्मिक रूप भी होता है। और वो जो रूप होता है वो भौतिक और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। वो ऐसा नहीं होता है, भौतिक नहीं होता है, ये जो सूक्ष्म शरीर है उससे भी परे होता है। और वो वास्तव में क्या होता है, भगवान बताते हैं ममई वंश जीवलोके 15.7 भगवान बताते हैं जितने भी जीव का जो आध्यात्मिक स्वरूप है ना वो मेरा अंश है, तो वो एकदम परे होता है, वो आध्यात्मिक अस्तित्व होता है। और जो ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, क्यों स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक कर्मों का अस्तित्व मिट जाता है, वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह ना तो दिखता है ना ही उसके विषय में सुना जा सकता है। यहाँ तक कि प्रगाढ़ निद्रा के समय जब वह स्थूल शरीर कार्य नहीं करता है तो हम यह जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। अतः जीव के चले जाने यानी मरने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि जीव आत्मा का अस्तित्व नहीं है, वह यही रहता है, अन्यथा पुनः पुनः जन्म क्यों होता। कि भले ही जब जीव मर जाता है तो उसका यह भौतिक शरीर कार्य करना छोड़ देता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जैसे भगवान बताते हैं भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में इसको बहुत ही क्लियर हमने किया। भगवान कहते हैं वासांसि जीवानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति
नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नया शरीर धारण करती। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, जैसा कि श्लोक में कहा गया, सजीवो यत् पुनर्भव, कि जीव का अस्तित्व इटर्नल है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। भले शरीर जो है वो मर जाता है, जिस समय वो क्या करता है, दूसरा जन्म ले लेता अपने कर्मों के अनुसार। अगर जीव इटर्नल नहीं होता तो फिर पुनः पुनः जन्म कैसे होता। लेकिन ये भौतिक और स्थूल, स्थूल और सूक्ष्म जो ये शरीर है, भौतिक का मतलब होता है स्थूल, ठीक है, भौतिक स्थूल और सूक्ष्म जो शरीर की ये धारणा है, वो केवल और केवल जीव मात्र पर निर्भर करती है, जीव के लिए की जा सकती है, उनके बाद भगवान के लिए नहीं होती। क्योंकि भगवान का कोई स्थूल शरीर नहीं होता है, कोई सूक्ष्म शरीर नहीं होता, भगवान पूरे के पूरे दिव्य होते हैं। भगवान कृष्ण सर से लेकर पांव तक दिव्य है, आध्यात्मिक है, उसके अंदर स्थूलता का टच भी नहीं है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी अंतिम निर्णय दे रहे हैं, निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान ना तो स्थूल है ना सूक्ष्म है, वो कौन सा है, भगवान का दिव्य स्वरूप है, दिव्य रूप है, और वो सदैव विद्यमान रहता है। ऐसा नहीं है जिस तरह भौतिक हमारा शरीर ये समाप्त हो जाता है, मर जाते हैं हम और आत्मा निकल जाती है, वो तो पूरे की पूरे आत्मा है ना, ऐसा नहीं है कि उनकी आत्मा निकल जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। भगवान जो है वो सदैव होते हैं, सदैव विद्यमान, नित्य विद्यमान रहते हैं, और उनका कोई इस तरह से स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, वो दिव्य होते हैं, और उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल या सूक्ष्म शरीर से नहीं की जा सकती है। हमारे जैसा नहीं होता है उनका शरीर, जिस तरह हमारे अंदर जरा सी आत्मा है, अभी कितना हमारे अंदर भगवान का अंश, कितना छोटा भी हमने पढ़ा, एक बार के अगर बाग के 10,000वें हिस्से के बराबर हमारा ये जीव है हमारे अंदर, बाकी सब तो भौतिकता ही है, परंतु भगवान ने ना वो सारे के सारे आध्यात्मिक है, सारे के सारे दिव्य हैं, तो उनका जो शरीर है वो हमारे शरीर के साथ या सूक्ष्म शरीर के साथ उसको कॉम्पेयर नहीं किया जाना चाहिए। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी धारणाएं काल्पनिक है। तो ये जो विराट स्वरूप है, जो संसार को भगवान का विराट स्वरूप कहा जाता है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये एक काल्पनिक स्वरूप है, ताकि लोगों को जो भक्त अभी अनभिज्ञ है, नवदीक्षित है, जो कि भगवान के वास्तविक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, इनके लिए एक काल्पनिक धारणा है कि भगवान इतने महान है, और इस तरह से इस धारणा को स्वीकार करने के बाद वो भगवान की महानता को स्वीकार करते हैं। और आगे शब्द उपाय जी बता रहे, जीव का अपना नित्य आध्यात्मिक रूप होता है, जो भौतिक कर्मज के कारण ही बद्ध रहते हैं। अब यहाँ संसार में हम भौतिक कलमश, क्योंकि भौतिक कलमश है, गुण है, और इनके साथ हमने मित्रता कर ली है, जिसके कारण से हम अपने आध्यात्मिक अज्ञानता के कारण अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूल गए हैं, और इसी भौतिक जगत में ही अपने लिए आनंद ढूंढ रहे हैं कि यहीं पर किसी से प्रेम करके मुझे आनंद मिलेगा या किसी को प्राप्त करके मुझे आनंद मिलेगा। लेकिन जीव वास्तव में भगवान का अंश है, और उसका एक आध्यात्मिक स्वरूप है, और उसी आध्यात्मिक स्वरूप में, अपने वास्तविक स्वरूप में जब तक वो नहीं, उसको अपने वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक स्थिति को वो नहीं प्राप्त कर लेता, भले कितनी ही संसार में कोशिश कर ले, इस संसार में सुख मिलेगा नहीं उसको, भले उसको लगेगा कि ये प्राप्त करूंगा तो सुख मिलेगा, ये बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं, सब कुछ सॉल्व ही हो जाएगा ना, फिर भी जब तक हम उस जगह पर नहीं पहुंच जाते हैं जो मेरी वास्तविक जगह है, जब तक इस भावबंधन की कैद से छुटकारा नहीं मिल जाता, जब तक इस जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट जाते, जब तक इस दुखों भरे जीवन और दुखों भरी संसार से मुक्ति नहीं मिल जाती है, तब तक आनंद का कोई सवाल पैदा नहीं होता, तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर श्री गोपाल जी बोलते हैं कि जीव का भी एक आध्यात्मिक स्वरूप होता है, लेकिन क्योंकि भौतिक कलमश के कारण वो बद्ध रहता है, और जब ये भौतिक कलमश खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म होगा, जब
गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हम अपने अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का भजन करना है, प्रेम से भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इस तरह से भगवान का पवित्र नाम लेते 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 जब हृदय का दर्पण शुद्ध हो जाएगा तो उसी में हम अपने आत्म साक्षात कर पाएंगे, आत्म साक्षात का सेल्फ रियलाइजेशन होगा और हमें पता चलेगा कि हमारी वास्तविकता तो कृष्ण का दासत्व है और उसी दासत्व को स्वीकार करने से ही परम शांति प्राप्त हो सकती है। आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।